हेलो दोस्तों, बहुत ही ऑसम टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ आज अपने चैनल पर। अगर हम अपने चद्दर में ये चूड़ियों के साथ चार गांठे लगा लें दोस्तों, तो हमारे बहुत सारे काम इजी होने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी ये वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो बोतल के कटे हुए जो पीछे वाले पार्ट होते हैं। बोतल तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी किसी हैक में, लेकिन ये जो पीछे का पार्ट होता है दोस्तों, ये पड़ा रह जाता है। और मैंने अभी एक ऑर्गेनाइज़र आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसे मैंने कपड़े धुलने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था, और उसके बाद ये जो पीछे का पार्ट था वो बचा रह गया था। इसका यूज़ मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम कोटी, कोई मोटी लोहे की तीली हो या इस तरह की मोटी सुई हो, उसको पहले अच्छे से हीट कर लेंगे। और गर्म करने के बाद इस बॉटल के जो पीछे वाले हिस्से पर हम 4 से 5 होल कर लेते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी होल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जितना उठा हुआ पार्ट है उन सब पर एक एक होल कर लेती हूँ, और उसके बाद से मैं दिखाती हूँ कि इसका हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे पैसों की भी बचत होगी। चलिए चलते हैं अपने किचन वाली सिंक के पास। हमारी किचन की सिंक होती है दोस्तों, पर हर किसी के पास इस तरह से स्ट्रेनर नहीं होता सिंक में। और इससे होता ये है कि स्ट्रेनर जब नहीं है तो नीचे जितना भी कचरा है, जो भी हम चावल दाल धुल रहे हैं, कुछ सब्जियों की कतरन है या फिर कुछ भी, वो हमारे सिंक में जाकर नीचे जमा हो जाती है, जिससे सिंक में जो है जाम की समस्या होती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो ऐसे टाइम पर आप सिंक में अपना ये ऑर्गेनाइज़र रखिए, और जब भी आपको कोई चीज़ छाननी हो, जैसे कोई सब्जी है, कोई चावल है या दाल है, इस तरीके से पानी डायरेक्ट इसके ऊपर गिराइए, तो आप देखेंगे कि जितना कचरा है वो इस बॉटल के पीछे वाले हिस्से में फंस जाता है, पानी इससे ड्रेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है, और लेडीज़ को इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिलता है। होप करती हूँ टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों ब्रेड के पैकेट को लेकर। जब भी हम लोग ब्रेड लेकर आते हैं मार्केट से, तो 2 से 3 दिन होते ही आपने देखा होगा कि ब्रेड नीचे से थोड़ी सी हार्ड होने लगती है, ड्राई होने लगती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जिससे हमारे ब्रेड में लगने वाले पैसे वेस्ट ना हो। हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे घर में हरी धनिया की पत्तियां आती हैं, आपको ये पता होगा, तो जो हमारे पास हरी धनिया की पत्तियां हो, उसमें जो मोटे डंठल होते हैं, जिनको हम चॉप नहीं करते, कभी हम मसालों में लेते हैं तो लेते हैं, अदरवाइज़ हम फेंक देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो वेस्टेज चीज़ है, जो मोटी डंठल है, इसको आप डाल दीजिए ब्रेड के पैकेट में। ध्यान रखें कि धनिया की पत्तियों के जो डंठल हैं उनको वॉश करके सुखा कर ही यहाँ पर डालेंगे। ब्रेड के पैकेट में डाल दीजिए और इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, यानी कि ब्रेड के पैकेट को आप फ्रिज में जैसे स्टोर करते हैं वैसे कर लीजिए। दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जो ब्रेड की पैकेट है वो 10 से 12 दिन तक बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती, ब्रेड सारे एकदम सॉफ्ट बने होते हैं, इनमें मॉइस्चर रहता है, जिस वजह से ब्रेड जो है हमारी काफ़ी दिनों तक चल जाती है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों इस तरह के ग्रेप्स के स्टोरेज को लेकर। आजकल गर्मियों के मौसम में अंगूर खूब आ रही है, लेकिन काफ़ी महंगे भी मिलते हैं, कहीं 80 रुपये, कहीं 100 रुपये, तो कहीं 200 रुपये किलो तक हमारे ग्रेप्स बिक रहे हैं। ऐसे टाइम पर जब हम ग्रेप्स लेकर आएँ, तो क्यों ना इनको ऐसे हम रख दें जिससे जो है हमारे ग्रेप्स की वेस्टेज ना हो और काफ़ी दिनों तक ये ग्रीन बने रहें, जिससे हम इन्जॉय इनको कर सकें। इसके लिए सबसे पहले काम ये करना होता है कि ग्रेप्स को लाने के बाद आप इसके सारे दानों को, यानी कि सारे अंगूरों को गुच्छे से अलग कर लीजिए। जो सड़े दाने हों, कुछ खराब भी होते हैं, गले से भी होते हैं, उनको सबसे पहला काम होता है अलग कर लेना। अब जब हमने इनको अलग कर लिया, तो आप चाहें तो इनको वॉश कर सकते हैं और इनका पानी अच्छे से सुखा सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको ड्राई ही रख रही हूँ, जब मुझे खाना होगा तब मैं इनको वॉश कर लूँगी। आप वॉश करके भी इसको स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारे ग्रेप्स के दाने जब हमने निकाल लिए हैं, उसके बाद से हमें चाहिए होगा कोई सा भी एयरटाइट कंटेनर, जिसको हम फ्रिज में रख सकें। ध्यान रखें कि प्लास्टिक का ही या फिर कांच का ही एयरटाइट कंटेनर होना चाहिए। नीचे एक टिश्यू पेपर बिछा लीजिए और ग्रेप्स के दानों को इसमें रखकर स्टोर कर लीजिए। ऊपर से अब आपको टिश्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे एक टिश्यू काफ़ी है। ढक्कन लगाइए और इस डब्बे को फ्रिज में रख दीजिए। अब ये ग्रेप्स आप देखेंगे दोस्तों कि 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। जी हाँ, कभी कभी सस्ते में लेकर आइए और फ्रिज में रखकर इसका स्टोरेज कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। हमारी अगली टिप है लेदर के पर्स को लेकर। कभी कभी हम मार्केट से बहुत अच्छी महंगी पर्स लेकर आते हैं, पर उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है, उसके फैब्रिक में आप एक तरह की क्रैकनेस देखते हैं कि ये हार्ड होकर क्रैक होने लगती है। अगर काफ़ी दिन तक हम इसका इस्तेमाल ना करें तो ये हार्ड होकर क्रैक हो जाती है। ऐसे टाइम पर आपको करना है एक बहुत अच्छा सा छोटा सा उपाय। इसके लिए हम ले लेंगे वैसलीन, यानी कि कोई सी भी पेट्रोलियम जेली। वैसलीन को लगाने के बाद आप टिश्यू से या फिर कॉटन की मदद से पूरे पर्स पर अच्छे से वैसलीन को रब कर दीजिए। रब करते ही आप देखेंगे कि लेदर में आने लगी है एक अच्छी सी शाइन, और पर्स हमारा बिल्कुल लगने लगा है नया जैसा। पर्स के चारों तरफ ही हम यहाँ पर ये काम करने वाले हैं।
और जहाँ पर भी आपको लगता है कि लेदर है अच्छे से शाइन नहीं कर रहा है वहाँ पर अच्छे से वैसलीन को रब कर दीजिए, धीरे धीरे आराम से करिए। और उसके बाद चाहें तो आप इसे थोड़ी देर खुली हवा में छोड़ दीजिए, आधे से एक घंटे इसे अलमीरा से निकाल कर बाहर रखेंगे। इसमें जो हवा लगेगी उस वजह से वैसलीन थोड़ा ड्राई होगा और फिर हमारे पर्स की शाइनिंग और बढ़ जाएगी। ये देखिए मैंने पूरे पर्स पे वैसलीन को रब कर दिया और आप देख रहे हैं सामने ही है, शाइन इसकी बढ़ गई है, पर्स को मिल जाती है बिल्कुल न्यू लाइफ। और इस तरह से हम अपने बहुत सारे पैसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं, क्योंकि पर्स अगर ख़राब होता है तो हम लेडीज़ दूसरी शॉपिंग करने ही लगती हैं। आइए बढ़ते हैं एक और अगले टिप की तरफ। हमारी जो अगली टिप है दोस्तों बेडशीट को लेकर है। बेडशीट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बेड में सिरहाने नहीं हैं, हम क्या करते हैं बेडशीट को चाहते हैं कि हम इसे अंदर टक ना करें और बेडशीट को खुला छोड़ें। कभी कभी गेस्ट आते हैं बेडशीट की साइज़ इतनी नहीं होती है कि अंदर टक कर लिया जाए, तो ऐसे टाइम पर जब आप बेडशीट को गिरा कर रखना चाह रहे हैं तो उस टाइम पर एक छोटा सा काम कर लीजिए, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, साथ ही हमारे बेड की पूरी शो ही चेंज हो जाएगी। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं या फिर कभी फेस्टिवल वगैरह पर, ये वाली हैक जरूर ट्राई करके देखिएगा। इसके लिए हमने लिया है बैंगल या फिर कोई सा भी कड़ा, कोई सा भी थोड़ा सा हार्ड कड़ा लेना है और बेडशीट का जो कोने वाला पार्ट है यानी कि बेड के एकदम कोने वाले पार्ट पे जाएंगे और उसके अंदर से ये कड़ा लेते हुए ऊपर जो है एक पतली रबर बैंड लेकर इस तरीके से लगा दीजिए। ये लीजिए बस हो गया। और इसके बाद से हमारी जो बेडशीट लटक रही है वो देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये काम आप बेड के चारों कोनों पर कर सकते हैं या सिर्फ दो कोनों पर कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप इस टिप्स को ट्राई करिए। ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, देखने वालों को अट्रैक्ट करती है और इस तरीके से आप अपने कमरे का लुक भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा हम अपनी बेडशीट को टक करके रखते हैं पर इस तरीके से करके रखते ही पूरे बेड की शोभा बदल जाती है। एक और टिप है दोस्तों इस तरह के बॉटल्स को लेकर। कुछ वीडियोस में मैंने आपको शो किया था कि इस तरह से बॉटल्स को कट करके हम सब्जियों को कैसे स्टोर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सब्जी नहीं है या हमने बॉटल कट करके रखी है, तो इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से हम कहाँ और कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ। तो हमें लेना है एक बॉटल और इसे ऊपर से नीचे तक अच्छे से कट कर लीजिए, नीचे वाला पार्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए और ढक्कन को भी सेफ रखेंगे। अब इसके बाद से मान लीजिए आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं, आपको सिर्फ कभी कभी कोई एक कपड़ा लेकर जाना होता है। मान लीजिए आपने खाने पीने की चीज़ें रखी हैं और एक कोई कपड़े का पीस है, कोई टॉवल वगैरह है या फिर कोई दुपट्टा है, कोई साड़ी है, आपको अलग से लेकर जानी है, तो अलग से थैली रखने की बजाय आप इस चीज़ को रख लीजिए इस बॉटल में। और बॉटल में अच्छे से डालने के बाद बस यहाँ पर आपको बॉटल का ढक्कन लगा लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये बॉटल पूरा वाटरप्रूफ भी हो जाएगा, साथ ही जो है हमारी अगर कोई चीज़ है जिसमें जरी वगैरह का वर्क है या फिर कोई ऐसा फैब्रिक है जो ख़राब होता है दूसरी चीज़ों के टच में आने से, तो वो फैब्रिक हमारा सेफ रहेगा। तो आप इसे इस तरह से कवर्ड में भी रख सकते हैं या फिर टूर पर भी लेकर जा सकते हैं। होप करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तो करना ही है। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।